ये कुछ देखिए अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का व्यू। और EMU जो है वो बहुत फास्ट ट्रेन है, मतलब इसमें 3 इंजन होते हैं तो काफ़ी तेज़ चलती है, तो 6-6:30 बजे तक पहुंचने की उम्मीद है रेलवे स्टेशन। चलिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का व्यू दिखाएंगे और चंडीगढ़ का पूरा ब्लॉग हम दिखाने वाले हैं आपको। और ये देखिए अलीगढ़ रेलवे स्टेशन में कंस्ट्रक्शन में कुछ वर्क चल रहा है। ये देखिए प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग ब्रिज बन रहा है, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो आप बोल सकते हैं 40% कम्प्लीट हो चुका है। ये देखिए काफ़ी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग ब्रिज बन रहा है यहाँ पे। ये पूरे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 8 तक कनेक्ट रहेगा, इसका मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगा। तो चलिए EMU के अंदर का व्यू दिखाते हैं हम आपको। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीगढ़ ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, इस वक्त दिन के 3:30 बज रहे हैं और हम इस वक्त EMU ट्रेन में हैं और जा रहे हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। हमारी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ के लिए ट्रेन है रात के 9:30 बजे, तो देख सकते हैं EMU ट्रेन में हम। और EMU ट्रेन जो है अलीगढ़ से 3:30 बजे चलती है और 25-30 किलोमीटर कवर कर चुकी है। और अलीगढ़ से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो टिकट है EMU का वो 60 रुपये का है। और चलिए मैं अंदर का पूरा व्यू दिखाता हूँ ट्रेन का। और अलीगढ़ का से ये नेक्स्ट स्टेशन है मेहरावल या पता नहीं फुलवा है शायद। तो इस व्लॉग में हम आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कुछ व्यू दिखाएंगे और हमारी जर्नी पूरी चंडीगढ़ की स्टार्ट होने वाली है, तो चंडीगढ़ का पूरा हम आपको व्यू दिखाएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप देख सकते हैं कि फुलवा रेलवे स्टेशन का कुछ व्यू है। और अलीगढ़ से ये 3:30 बजे चली है और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये 5:17 या 5:18 पहुँचती है। वैसे टाइम ये है 5:18 का, लेकिन 6 बजे तक पहुँच जाती है। और हमारी जो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ के लिए ट्रेन है वो 9:00 बजे, तो हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा अगर लेट भी हो जाती है तो। रात के 7 बज रहे हैं और फाइनली हम ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमें टोटल 3.5 घंटे लगाए यहाँ आने पर। और चलिए ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का कुछ बाहर से व्यू दिखाते हैं हम आपको, क्योंकि अभी हमारी जो चंडीगढ़ के लिए ट्रेन है वो 9:30 बजे आएगी, तो अभी 2.5 घंटा यहाँ पे। चलिए बाहर से कुछ व्यू दिखाते हैं।
से बाहर निकलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। और अभी ट्रेन आने में थोड़ा बहुत क्या एक डेढ़ घंटे का टाइम है, तो आपको थोड़ा कुछ व्यू दिखाते हैं यहाँ का। और काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन आपने इन्जॉय देख लिया होगा और काफ़ी इंजॉय करा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आज रात में हम 1:30 बजे करीब चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे, और चंडीगढ़ पहुँच के कुछ होटल वोटल बुक करते हैं, फिर उसके बाद कल पूरा चंडीगढ़ का ब्लॉग कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और चलिए कुछ खापी के अंदर आते हैं, फिर थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं हम ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का अंदर से कुछ व्यू। और यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो रही है, देख सकते हैं। और लॉकडाउन से पहले मतलब 2-2.5 साल पहले जब मैं EMU ट्रेन में आया था तो बहुत भीड़ भाड़ थी, मतलब बैठने की जगह भी नहीं थी, लेकिन आज मैं आया हूँ तो बहुत कम मतलब भीड़ थी, सीट भी खाली थी। और टिकट पहले 25 या 30 रुपये का था, अब 60 रुपये का हो गया। चलिए बाहर से चलते हैं, कुछ यहाँ देखते हैं कोई आस पास कोई ढाबा वाबा है, आपको दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर साइड में बहुत सारी मार्केट है, मतलब सारा कुछ मिल रहा है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे मस्त चिकन बिरयानी खा ली, यहाँ पे 50 रुपये की 250 ग्राम। और देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज़ की मार्केट है, पर्स है, मोबाइल, बेल्ट और मोबाइल की सारी एसेसरीज। तो बाहर बहुत बड़ी मार्केट है पूरी यहाँ पर। रात के 3:30 बज रहे हैं और फाइनली हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। और ट्रेन जो है वो 2 घंटा लेट थी, यहाँ पे 1:30 बजे पहुंचने का टाइम था, बट 3:30 बजे पहुंची है। और चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन का कुछ व्यू हम दिखाते हैं आपको, और बाहर से भी पूरा व्यू दिखाएंगे, और चल के यहाँ पर कोई होटल वोटल बुक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कुछ चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन का बाहर का व्यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और चंडीगढ़ का जो ब्लॉग होगा वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, तो जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसे ज़रूर देखिएगा, उसमें चंडीगढ़ का पूरा व्यू होगा, इसमें तो सिर्फ जर्नी जर्नी थी। और ये देखिए ये बाहर का कुछ व्यू है चंडीगढ़ का, काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और होटल वोटल लेते हैं चल के, तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा आप क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो काफ़ी लंबा हो गया। तो चलिए अब तक के लिए बाय। आप देख सकते हैं वो सामने काफ़ी दूर पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, और यहाँ दूर दूर तक देखिए रोड है बहुत चौड़ी चौड़ी, और फील्ड है और दुकानें भी नहीं है, देखिए पूरे में देखिए रोड है, और आगे ये पार्किंग के लिए बहुत बड़ी जगह है, और बहुत दूर जो लाइट दिख रही है वहाँ पर रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ दूर दूर तक चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन के आसपास कोई भी शॉप या फिर मार्केट नहीं है, देख सकते हैं पूरे में देखिए चौड़ा रोड है काफ़ी, और यहाँ से एक 1.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद होटल वोटल हैं, तो काफ़ी अच्छा है। देखिए यहाँ पे रोड एकदम चौड़ी है, खुला खुला है पूरा, तो पेड़ वेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। चलिए आगे चल के देखते हैं कहाँ होटल मिलता है, और आप देख सकते हैं कम से कम 60-70 फुट का रोड है यहाँ पे चौड़ा, और फुटपाथ भी बना हुआ है काफ़ी, तो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी सफाई सुथराई भी यहाँ पे।